नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिंकिंग फंड। क्या है सिंकिंग फंड उसको समझ लें। सिंकिंग फंड रियलिटी में नाम के चक्कर में ना पड़े, डिबेंचर रिडम्पशन फंड है फिलहाल हमारे लिए। सिंकिंग फंड और भी कई जगह पे यूज़ किया जाता है, मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारी जगह यूज़ होता है, बट अभी आज बात करने वाले सिंकिंग फंड इन कॉन्टेक्स्ट टू रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या है सिंकिंग फंड, मैंने अभी थोड़ा सा बोल ही दिया। सिंकिंग फंड का मतलब है डिबेंचर रिडम्पशन फंड। हमने प्रीवियसली नोटिस किया कि हमने अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो एक ना एक दिन वो मैच्योर तो पक्का होंगे, और जब मैच्योरिटी की डेट आएगी तो हमें सारा का सारा पैसा जो कर्जा हमने लिया था वो लौटाना भी पड़ेगा। अज्यूम कर लूँ कि एक कंपनी ने से 50 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए। जब उसने इशू किए होंगे 50 लाख रुपए के डिबेंचर, तो कोई जर्नल एंट्री तो रिकॉर्ड की होगी। मैं डेट अज्यूम कर लेता हूँ से 1 अप्रैल 2015 को उसने अपने डिबेंचर इशू किए। जब उसने डिबेंचर इशू किए होंगे तो पहली एंट्री उसने की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन, और जिसमें उसने 50 लाख रुपए लिख दिए होंगे, यही क्या होगा ना। उसके बाद दूसरी एंट्री उसने की होगी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर्स, और इसमें भी उन्होंने 50 लाख रुपीस भर दिए होंगे। अब ये पैसा कंपनी को 5 साल के बाद लौटाना है, लौटाना पड़ेगा। अब 1 अप्रैल 2015 को इश्यू किया, तो इसका 31 मार्च 2020 को ये सारा का सारा पैसा कंपनी को लौटाना है। और एकदम से इतना पैसा लौटाना कंपनी के लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, एकदम से पैसा इकट्ठा करना। तो कंपनी उसके लिए क्या कर सकती है, हर साल कुछ सेविंग कर सकती है। हम जो सेविंग करने वाले हैं उसी से रिलेटेड टॉपिक है फंड बनना, सिंकिंग फंड बनना, इसका दूसरा नाम है डिबेंचर रिडम्पशन फंड बनना। नॉर्मली अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इसके अंदर 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और 5 साल बाद पड़ेगी, तो कितने पैसे मुझे सेव कर लेने चाहिए अगर मुझे 50 लाख रुपए 5 साल के बाद लौटाने, कितने पैसे सेव कर लेने चाहिए? 10 लाख रुपए सेव करने चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 ईयर्स का टाइम है, 10 लाख रुपए सेव करेंगे, 5 साल में सेविंग होते होते हमारे पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? 50 लाख। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये जो 10 लाख रुपए हैं सेव करके मैं बिजनेस में नहीं रखूंगा, बल्कि 10 लाख रुपए कहीं जाके कोई इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो अगर मैंने 5 साल के अंदर सेविंग ही अगर 50 लाख कर दी, तो कुछ इन्वेस्टमेंट करने से फालतू नहीं हो जाएगा ये? सेविंग करके इन्वेस्ट अगर मैं करूंगा, कुछ ना कुछ तो परसेंटेज ऑफ इनकम भी तो लूंगा मैं। अगर 5% एवरेज इनकम मैं निकाल लूं तो 5% इसके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। 50 लाख में कितना ऐड ऑन हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए ऐड ऑन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर 5% एवरेज इनकम मुझे होगी, इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये बात तो पक्की है ना कुछ प्रॉफिट मोटिव होगा मेरा। विदाउट प्रॉफिट मोटिव तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। अब मेरा 50 लाख रुपए कितना बन गया? 52,50,000, नहीं बन गया 52,50,000। इसका ना तुमने मुझे गलत जवाब दिया, मेरे को 50 लाख रुपए लौटाने थे, तुमने 52,50,000 का इंतजाम करा दिया मेरा। थोड़ी समझदारी रखी होती तुमने तो कहते सर जितनी आपकी जरूरत है उससे फिर 50,000 कम से शुरुआत करो। अगर आपको रियलिटी में नीड 10 लाख रुपए की है और इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम भी आपका, अगर आगे की प्लानिंग में आप कहना चाहते हो कि ये पैसा मैं सेव करके अपने पास नहीं रखूंगा बल्कि कहीं बाहर इन्वेस्ट करूंगा, तो पूरे पैसे की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ने वाली। पूरे पैसे से कम भी करोगे तो पैसा पूरा पड़ जाएगा। कैसे पूरा पड़ जाएगा? क्योंकि आप इन्वेस्ट करने वाले हो ना, और इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ वहां पर अपने से सेल्फ इनकम भी तो आएगी। यही कंसेप्ट हम सिंकिंग फंड के अंदर करने वाले हैं। सिंकिंग फंड आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करने का तरीका है। मैंने पहले ही आपको बताया था प्रॉफिट रिडम्पशन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दो तरीके से हो सकता है, एक आउट ऑफ कैपिटल और एक आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है हम अपने जो कैपिटल की फिगर है, अपनी जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, वहां से हम रिडम्पशन करेंगे, हम उसके लिए सेव नहीं करने वाले पैसे। जो कैपिटल का अमाउंट है उसको यूज करेंगे पेमेंट के लिए, या कोई दूसरा लोन बोरो कर लेंगे, लेकिन हम उसके लिए सेविंग्स नहीं करने वाले। और दूसरा होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो पैसा लौटाना है वो हम कमा के लौटाएंगे, उसके लिए हम अपनी कैपिटल को यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए कोई नया लोन नहीं लेंगे, बल्कि कैसे लौटाएंगे? कमा के लौटाएंगे। तो जो सिंकिंग फंड मेथड है वो है आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करना, मतलब जो पैसा आप कमा रहे हो उस कमाई को खर्च मत करो, उस कमाई को रिडम्पशन के लिए इस्तेमाल करो,
और 100% पैसे का इंतजाम प्रॉफिट से किया जाएगा। हर साल जो भी आपने कमाया 20 लाख 25 लाख 30 लाख बिजनेस में कमाएगा, उसमें से 10 लाख ही निकाला था, हाँ अब हमें समझ में आ गया 10 लाख पूरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, 9.5 लाख भी अगर होंगे तो हमारी शायद बात बन जाएगी। वो जो 9.5 लाख रुपए होंगे वो हम क्या करेंगे, सेव करेंगे अपनी इनकम में से, और उसे क्या कर देंगे, जब तक पैसे की जरूरत नहीं है तब तक उसे इन्वेस्ट कर देंगे। ये जो सिस्टम है उसको बोलेंगे हम सिंकिंग फंड सिस्टम या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड सिस्टम। बात समझ आ गई है? अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक्यूरेट हमारे को कितने पैसे सेव करने चाहिए, क्योंकि अगर मैं 9.5 लाख रुपए की सेविंग करता हूं और एवरेज इनकम मेरी वही अगर मैं मान के चलूं कि 5% है, तब भी पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे। देखो यहां पे 2.5 लाख फालतू हुए थे ना 5% के साथ, 52,50,000 हो गए थे। अब अगर मैं 9,50,000 रुपए की सेविंग करूं तो 5 साल में वो सेविंग कितनी हो जाएगी, 9.5 × 5 कर दूं तो हो जाता है ये 47,50,000। आपको क्या, देखो सर बिल्कुल ठीक है 2.5 लाख ऐड करेंगे तो 50 हो जाएंगे, लेकिन 2.5 लाख तो तब आए थे ना जब 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब तो मैंने 50 लाख इन्वेस्ट ही नहीं किए, कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 47,50,000। तो 5% कमाई तो जो मैंने इन्वेस्ट किया उसी पे तो होगी, तो मेरी 5% जो इसमें प्रॉफिट की इनकम जो आने वाली है वो आने वाली है 2,37,500। और अगर इसे मैं ऐड कर दूं तो जो फिगर मेरे पास होने वाली है वो 49,87,500 है। मैं फिर तुम्हें बोलूंगा तुमने फिर गलत जवाब दिया, मेरे पैसे थोड़े कम पड़ गए। आपको कहोगे सर ये तो बड़ा झंझट वाला काम दे दिया आपने, अब मैं अगर इसको लेकर चलूंगा फिर बढ़ जाएंगे पैसे फिर घट जाएंगे, बड़ा मुश्किल है तो एकदम एक्यूरेट पता लगाना। तो अप्रोक्सीमेट बता दिया था आपको, अप्रोक्सीमेट तो देखो आ गया, ज्यादा फर्क थोड़ी रह गया, 12,500 का ही तो फर्क है, थोड़ा सा अपनी जेब से डाल के पूरा कर लेना। अप्रोक्सीमेट आपको बता दिया, पिछली बार 2.5 लाख रुपए फालतू आ रहे थे, अब तो थोड़ा सा ही फर्क रह गया। नहीं, मैं चाहता हूँ एक्यूरेट जवाब दो। तो आप क्या कहोगे सर बड़ा मुश्किल एक्यूरेट तो बिल्कुल जवाब करना, तो बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा तो शायद एक्यूरेट आ जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू को यूज करके आप एक्यूरेट जवाब निकाल सकोगे। समझाने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपकी नोट्स में क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, उस क्वेश्चन नंबर 53 की वैल्यूज को मैं यूज कर लेता हूं इसमें और फिर देखते हैं कि इसके अंदर जो अमाउंट आएगा वो कैसे आएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर अमाउंट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर जो डेट में गिवन है, डेट में भी फर्क है, 1 अप्रैल 2011 कंपनी ने इशू किया कितने डिबेंचर, मैं यही वाली फिगर को यूज कर लेता हूं यहां पे समझाने के लिए। कितने वैल्यू के डिबेंचर इशू किए हैं, 1 लाख, 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए। ये सिंकिंग फंड नहीं है, सिंकिंग फंड इसके बाद शुरू होगा। कितने साल के बाद पैसा लौटाने, इसमें लिखा है ये पैसा लौटा दिया जाएगा 4 साल के बाद। पहले तो मुझे बताओ ट्रेडिशनल तरीके से कितने पैसे सेव करें तो हमें चार साल के बाद 1 लाख रुपया मिल जाएगा। आपको कहे सर 1 लाख रुपये फिगर हमने कर्जे के लिए, 4 साल का आप बोल रहे हो टाइम मिलेगा, तो इसलिए 25,000 रुपये की सेविंग कर लो। लेकिन 25,000 रुपये की सेविंग करूंगा तो 1 लाख तो प्रिंसिपल ही इकट्ठा हो गया, और कहीं इन्वेस्ट अगर कर दिया तो ये पैसा जरूर फालतू हो जाएगा। देखे जरा कुछ इन्वेस्टमेंट का प्लान है क्या, बिल्कुल क्लियर प्लान है, द इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू अर्न 5% नेट पर एनम। हम जहां पे पैसा डालने वाले हैं वहां से 5% की नेट इनकम आने वाली है। 1 लाख रुपए जमा कराओगे 1,05,000 बन जाएगा। फालतू मत बताओ मुझे, मुझे पूरे बताओ कि 1 लाख रुपए लौटाने तो 1 लाख रुपए कैसे इंतजाम करने हैं। आपको हेल्प करने के लिए इसमें गिवन है एक वैल्यू, लिखा है सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट रुपीज 0.232013 इन्वेस्टेड एनुअली एट 5% अमाउंट्स टू ₹1 in 4 years। इतना पैसा 1 रुपए के लिए, ये होती है 4 rupees 1, 1 रुपया पाने के लिए इतने पैसे सेव करो। वैसे 25 पैसे जवाब होता अगर 1 रुपया पाना हो मुझे तो, टेक्निकल मेथड से जवाब क्या आता, 25 पैसे सेव करो, 4 बार 25 पैसे ऐड होके कितना बन जाएगा ₹1। इसने बोला 1 रुपी अगर पाना हो तो 0.232013 सेव करो। यही हमारे लिए हेल्प होगी, हम कहेंगे हमें 1 रुपए के लिए इतनी सेविंग करनी है तो बताओ
4 रुपीज 1 लाख हमें कितनी सेविंग करनी पड़ेगी? आपको कि सर 1 लाख गुना बढ़ा दो इस रकम को, इधर अगर 1 लाख गुना बढ़ गई है तो इधर भी 1 लाख गुना बढ़ा दो। मतलब सिंपल भाषा में क्या करो, इसे 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, तो 23,201 रुपए 30 पैसे वो फिगर है जो कि मुझे सेव कर लेनी चाहिए। एकदम एक्यूरेट, पैसों तक मैंने बात कर दी है, एकदम एक्यूरेट पैसों तक बात कर दिए। तो तुम बोल रहे थे ना 23,000, सॉरी पहले बोल रहे थे तुम जो कि वो कम कर दो ज्यादा कर लो, अब तो मैंने को बता दिया 25,000 पे नहीं बल्कि 23,201 रुपए 30 पैसे की सेविंग करते। चलो पैसा बिल्कुल शॉर्ट है, करीब करीब ये 1800 रुपए शॉर्ट है करीब करीब, लेकिन ये 1800 रुपए की कमी अपने आप पूरी कर देगा। कौन पूरी कर देगा? इन्वेस्टमेंट करने से जो प्रॉफिट होगा वो पूरी कर देगा। क्लियर पॉइंट? अच्छा, अगर मुझे जरूरत 2 लाख की होती तो मैं क्या करता फिर? 2 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं, और मेरी जरूरत अगर 25 लाख रुपए की थी तो मैं इसे 25 लाख से मल्टीप्लाई कर देता। मुझे जितने पैसे की जरूरत है उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो टेबल जो बनाई गई है वो ऐसे फॉर्मेट में बनाई है जिसे कोई भी आसानी से यूज कर सके, इसलिए 4 रुपी 1 बनाई जाती है, जिससे कि जितने की नीड है उससे मल्टीप्लाई करो, अपना जवाब पाओ। तो मैं क्या करूंगा, 1 साल जब पूरा हो जाएगा ऑब्वियसली सेव करके मुझे रिडम्पशन करना है, किसी से लोन नहीं लेना लौटाने के लिए, एक लोन लौटाने के लिए दूसरे से लोन ले लिया, ये तो ऐसा हुआ इसकी टोपी उठा के दूसरे के सर रख दी, कर्जा वर्जा तो उतरा नहीं, सिर्फ नीचे का चेहरा बदल गया, देने वाले लोग बदल गए, कर्जा वैसे का वैसे ही है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम पैसा कमा के लौटाने वाले। कमाई कहाँ से होगी? जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओगे, जब ईयर एंड हो जाएगा तभी पता चलेगा इस साल क्या कमाया क्या गवाया, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल लेना, सेव कर लेना। कितना प्रॉफिट निकाल लेना? 23,201 रुपए 30 पैसे, और कितनी बार सेव करना? 4 बार सेव करना पड़ेगा ही, तब जाके 1 लाख रुपए बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, 31 मार्च 2012 जब आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का टाइम यही होगा, मैं क्या करूंगा, अपना सरप्लस जो मैंने कमाया होगा उसमें से थोड़े पैसे का बना दूंगा सिंकिंग फंड, या फिर से बोलना डिबेंचर रिडम्पशन फंड। कितना पैसा बचा के हमें जमा करना है? 23,201, पैसों को इग्नोर कर देते हैं, 23,201 रुपए। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, ये तो मैंने सेव करके अभी अपने पास ही रखा है, सेव कर लिया, प्रॉफिट से निकल गया, लेकिन ये भी बिजनेस के अंदर ही पड़ा हुआ है, मैंने बिजनेस में रखने का प्लान नहीं बनाया। अगर रखने का प्लान बनाएंगे तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा, ये कम ही रह जाएगा। अगर इसे 1 लाख तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आउटसाइड पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में डालेंगे, किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिबेंचर खरीदेंगे, बॉन्ड करेंगे, कहीं ये पैसा लगाएंगे जरूर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फौरन डिबेंचर, इसको बोलेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू बैंक। पैसा दोगे तभी प्रॉफिट आएगा, वरना पैसा प्रॉफिट आएगा ही नहीं। 23,201 रुपए की आपने क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट इस साल पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ये जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया है इसका प्रॉफिट फौरन नहीं आएगा, आप अगर आज बीज डालोगे तो आज ही फल नहीं लग जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आज आपने बीज डाल दिया, प्रॉफिट कमाने के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा टाइम दो, अगले साल से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जब अगला साल आएगा, 31 मार्च 2013 मेरा सेकंड ईयर आ गया, ये फर्स्ट ईयर तो सिर्फ मैंने सेव किया और उसको डिपॉजिट कर दिया, पहले सेविंग और फिर डिपॉजिट, अपने पास रखता तो पैसा बढ़ता ही नहीं, अब ये बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, अगले साल क्या करेंगे, अगले साल फिर से एक नया बीज बोना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 साल तक ये सेविंग करनी है। तो क्या करेंगे, फिर से पुरानी एंट्री जो मैंने की थी एक बार फिर से रिपीट करने वाला हूं, फिर से इस साल जो कमाई होगी सरप्लस उसमें से क्या निकालेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड के लिए कुछ पैसा निकालेंगे या फिर सिंकिंग फंड के लिए पैसा निकालेंगे। कितना? 23,201 निकल गए पैसे। अच्छा, ये पैसे भी बढ़ेंगे नहीं अगर आपने अपने पास ही रखे रखा ही नहीं, क्या करना पड़ेगा, इसे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसे इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, इससे इन्वेस्ट करने से पहले जो पिछली बार इन्वेस्टमेंट की थी उसका भी तो चेक कर लें, प्रॉफिट कुछ उसने दिया या नहीं दिया, कहीं वहां से कुछ प्रॉफिट आया नहीं, वहीं पे तुम और आके पैसा लगा दो। तो क्या करेंगे, पिछली बार जो हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका 1 साल हो चुका है, और कितना परसेंट इंटरेस्ट आने की बात हुई थी, 5%। तो जो हमने 2012 में इन्वेस्टमेंट की थी रियलिटी में, 31 मार्च 2012 में कितने की इन्वेस्टमेंट की थी, 23,201, उसका 5% प्रॉफिट आने वाला था।
ठीक है, 23,201 का अगर मैं 5% निकालूं तो प्रॉफिट आएगा ये 1160 रुपए 5 पैसे। यहां पे कितना लेंगे प्रॉफिट होगा तो 1160 ही ले लेते। अच्छा, जब प्रॉफिट होगा तो आपको न्यू कैश रिसीव होगा, प्रॉफिट होगा तो न्यू कैश आपका जहां पे डिपॉजिट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा इंटरेस्ट के कारण, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना 1160। क्लियर है? नॉर्मली जब हमें कोई प्रॉफिट हो जाता है तो हम उसे वापस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी लॉस हो जाता है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाता है और कोई भी प्रॉफिट होता है वो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां से जो प्रॉफिट होगा तुम्हें वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एक्सक्लूसिवली तुम्हें रिडम्पशन के लिए यूज करना है। तुमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो करना है वो 1 लाख का करना है और तैयारी 1 लाख की नहीं चल रही है हमारी, हम जो सेविंग कर रहे हैं वो 1 लाख से कम के लिए कर रहे हैं। तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो कभी भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं डालना। इससे अगर कोई प्रॉफिट आपको अर्न हो रहा है तो उसे फंड के अंदर ही जोड़ते चलना, तभी फंड 1 लाख तक पहुंचेगा, वरना 1 लाख तक फंड पहुंचने वाला नहीं है, हमारी तैयारी थोड़ी कम चल रही है। तो ये हमारा जो प्रॉफिट का पैसा है इसे स्टेट, वैसे तो प्रॉफिट है, नॉर्मल इनकम पीएनएल में शिफ्ट होती है, इसे पीएनएल में शिफ्ट नहीं करेंगे बल्कि इसे फंड में शिफ्ट कर देंगे। फंड में शिफ्ट करने का क्या तरीका होता है, हम इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे और सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना 1160। क्लियरली एंट्री कैसे बनाई है मैंने, प्रॉफिट वैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जाता, लेकिन इस प्रॉफिट को मैंने पीएनएल में डाल के कहां पे डाल दिया, सिंकिंग फंड में डाल दिया। अब सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट करने के जो आपका बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान से देखो, सिंकिंग फंड में इस साल आपने नया इतना डाला है और जो प्रॉफिट है वो भी इसी अकाउंट में तो शिफ्ट किया, ध्यान से चेक करो, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड। तो अब अगर आप बैंक में दोबारा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जितना पैसा आपने सेव किया उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना ज्यादा कर सकते हैं, जो प्रॉफिट आपके पास आया वो भी फंड का हिस्सा बन गया, तो आपके पास टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 23,201 प्लस 1160 हो गया होगा। सारा का सारा पैसा फंड का पैसा, इसे टच मत करना क्योंकि वरना पैसे पूरे नहीं पड़ेंगे। सारा का सारा पैसा जब तक जरूरत नहीं है तब तक इकट्ठा होने दो। तो एक एंट्री इसमें और होगी, आखिरी एंट्री होगी, वो होगी इसमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक। और इस बार जो आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो इन दोनों को ऐड करेंगे, जो कि होगी 23,201 प्लस 1160, और ऐड करने पर होगा 24,361। क्लियर है? एक नया बीज हमने डाल दिया, इस पे अगले साल फिर फल लगेगा, और अब तो दो बीज है हमारे, दोनों पे फल लगेंगे। अब तो एक पिछले साल वाला वो भी क्रेडिट कार्ड थोड़ी दिया हमने कि एक रुत आई तो बात खत्म, अगले साल फिर। तो अगले साल आपका इंटरेस्ट दुगने से भी ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट दुगने से ज्यादा होगी। पिछली बार 23,201 थी, इस बार तो 24,361 हो गई है। तो अगले साल फ्रूट और बड़ा होने वाला है। अगले साल की इनकम 31 मार्च 2013 की इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी 24,361 उस पर भी आएगी। या तो इसकी कैलकुलेशन दोबारा से कर लो और जोड़ के टोटल ले लो, वरना इन दोनों को कंबाइन करके आपको इनकम मिलेगी। अब अगले साल जो इनकम मिलेगी, पुराना बैलेंस हमारा कितना था 23,201, उसको ऐड कर ले तो अब तक हमारा टोटल 47,562 है, और 5% प्रॉफिट हमें इस पे मिलेगा। अगर मैं इसका 5% कैलकुलेट करूं तो ये 2378.10 रुपये आएगा। अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। आज तो बीज ही डाले नया, तो इसका प्रॉफिट आने में 1 साल का, इसके हमने फल ले लिए, इसका फल अब दोबारा रिपीट होगा कब, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2014 जब आएगा। चार एंट्री बनेंगी फिर से, क्योंकि अभी आपने दो ही बार सेविंग की, अभी तो दो बार सेविंग और होनी है। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, सरप्लस डेबिट टू सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड। कितने की सेविंग करेंगे, 23,201। क्लियर? फिर क्या करेंगे, फिर जाके चेक कर लेते हैं अभी तक दो बार हमने डिपॉजिट किया उससे क्या इनकम हुई है, क्योंकि फाइनल डिपॉजिट करने से पहले पुरानी इनकम जरूर ले लेंगे ताकि उसे भी रीइन्वेस्ट किया जा सके। अगली एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हमारे पास आने वाला है 2378 रुपये। 2378 क्लियर है भैया, पिछली बार भी आई थी इनकम। फिर ये इनकम वैसे तो पीएनएल में जाती है, बट इसे पीएनएल में नहीं जाने देंगे, इसे कहां भेजेंगे, इसी फंड के अंदर, फंड में इकट्ठा करें ना पैसे, इसी फंड में इस इनकम को ले जाएंगे। तो हमारी अगली एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट क्रेडिट था, डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, और ये 2378 की एंट्री हो जाएगी। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर अब हमारे पास फंड कितना इकट्ठा हुआ चेक करते हैं, 23201, और ये भी पैसा तुमने सिंकिंग फंड में तो भेजा है, तो इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इस बार तो और बड़ी कर सकोगे तुम। आखिरी एंट्री हमारी होगी वही सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और ये जो एंट्री हमारी होने वाली है वो 23201 प्लस 2378 की होने वाली है। तो प्लस कर देते हैं 23201 के अंदर, तो जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 25579। ठीक है, एक नया बीज डाल दिया, अगले साल इसकी भी कमाई शुरू होगी, अभी नहीं कमाई होगी लेकिन अगले साल इसके ऊपर भी प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। 31 मार्च 2014 में जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो है 25579, और अगर मैं पुराने बैलेंस में ऐड कर लूँ 47562 तो 73141 हो गया, और इसके ऊपर 5% प्रॉफिट आएगा, बढ़ता ही जाएगा प्रॉफिट धीरे धीरे, नहीं जितने ज़्यादा पेड़ लगते जाएंगे अगली बार उससे ज़्यादा प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5%, इसका 5% है 3657.05। लास्ट ईयर है ये हमारा, टेक्निकली हमारा ये लास्ट ईयर है, चौथा साल आ जाएगा, आखिरी बार सेव करने वाले हैं। कौन सी डेट होगी, 31 मार्च 2015। पहले एंट्री वही होगी सरप्लस डेबिट टू सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड, कितने की सेविंग करनी है 23201, ये तो फिक्स है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर हमें वही जाके अब तीन बार हम सेव कर चुके हैं पैसा, उनके प्रॉफिट ले लें, जिसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें आएगा 3657। क्लियर है, फिर ये पैसा पीएनएल में नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, फंड में पैसा भेज रहे थे वहीं पे भेजेंगे, इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड 3657। ठीक है भाई, अच्छा यही दिन रिडम्पशन का भी दिन है, चार साल पूरे हो गए भैया, एक अप्रैल 2011 से शुरुआत हुई थी और यहाँ पे आ गया है 31 मार्च 2015, यही दिन रिडम्पशन का भी दिन है, तो क्या इस पैसे को ले जाके फिर से इन्वेस्ट कर दूं मैं? आप कहोगे सर इसको तो लेकर मत जाओ, जो तीन बीज बो के आए उनको भी निकलवा के लाओ, उनके पेड़ काट लो, टोटल चार थे हमारे पास लेकिन आपने बोए सिर्फ तीन ही है, चौथा तो भी बीज यहां पे हमारे हाथ में पड़ा हुआ है, सर ये बात है, तीन पेड़ काट के लाने पड़ेंगे क्योंकि अब हमें उसकी जरूरत है। क्या करें हम, रिवर्स एंट्री, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसमें एंट्री थी कर रहे थे क्या तुम्हारे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, अब कर देना बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, और ये मत सोचना कि आपको 1,00,000 रुपए वहां से मिलेगा, आपके पास आखिरी सेविंग तो हाथ में पड़ी है, आपको तीन सेविंग का पैसा पीछे से मिलेगा सिर्फ, आखिरी तो आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया, वो तो अपने हाथ में रखा हुआ है, अगर उसको जोड़ दोगे उसमें तो 1,00,000 बन जाएगा, जो वहां से पैसा आएगा जो तुमने सेव किया उसका टोटल 1,00,000 बनेगा, लेकिन वहां से 1,00,000 जो इन्वेस्टमेंट है वहां से 1,00,000 नहीं आने वाला, वहां से आपको 73,141 मिलने वाले, इतना ही पैसा तुमने जमा कराया वहां पे, ब्याज का प्रॉफिट तो आपने उसके अंदर एक्युमुलेट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा हो सकता है उस समय मार्केट में थोड़ा सा तेजी या मंदी चल रही हो तो ये पैसा उस वजह से थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, हमारी सेविंग तो 1,00,000 रुपए की है, बाकी देखे कोई तेजी मंदी कुछ चल रही है क्या इसमें, हाँ जी लिखा है इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पे रिलाइज किए हैं 75,000 रुपए में, तो हमारे लिए बेनिफिट वाली बात है, अब इसके वजह से अगर प्रॉफिट होते तो हुए, हमने तो तैयारी 1,00,000 की थी तो एडिशनल बोनस है, तो हम जब इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो हमें कितना पैसा रिकवर होता है 75,000। आप अगर कंपेयर करोगे तो फाइनल टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी 73,141 थी और रिलीज कितना हुआ, हमें पैसा कितना मिला, सेल प्राइस जो हमारा रहा वो इसका 75,000, बीच में हमें हो गया प्रॉफिट कितने का, बैलेंसिंग फिगर से निकालो, अगर डिफरेंस निकालें इसके अंदर 75,000 माइनस 73,141 तो डिफरेंस है 1859।
ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अगर हो गया तो ये प्रॉफिट किसके ऊपर हमने कमाया, फंड से कमाया ना, इसे भी फंड में, जो पहले वाली इनकम फंड में गई है तो इससे आने वाली हर इनकम और हर लॉस इसी फंड से एडजस्ट किया जाएगा हमें प्रॉफिट। लेकिन ये कहां से अचीव हुआ, ये इन्वेस्टमेंट से अचीव हुआ, तो हम प्रॉफिट को तो क्रेडिट ही करेंगे लेकिन वो आया कहां से, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू सिंकिंग फंड लिखेंगे एंट्री। प्रॉफिट आया कहां से, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से आया, और ट्रांसफर कहां पे करें, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में नहीं ट्रांसफर करें बल्कि कहां ट्रांसफर करें, सिंकिंग फंड में। कितना प्रॉफिट हुआ, 1859। यहां पे अब करीब करीब सिंकिंग फंड का पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब तो रिडम्पशन जो होता है उसका पॉइंट शुरू होगा। यहां पर अब ये वाली फिगर जो है वो मैं मिटा रहा हूं यहां पे सिर्फ, अब हमें रिडम्पशन करना है। फंड तो बन गया, पैसे का इंतजाम हो गया ना, अब सारे पैसे का इंतजाम हो गया, अब रिडम्पशन तो कल तो देखो इशू की एंट्री मैंने की थी, वो फंड का पार्ट नहीं है, इसी की वजह से शुरुआत हुई थी ये सारी जनरल एंट्रीज की, इसी का रिडम्पशन करना है। तो रिडम्पशन करने की दो एंट्री होती है आपकी, क्या होती है, सेम डेट एंट्री होगी, पहले होगी परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, कितना, 1,00,000, 1,00,000 देने की बात हुई थी। उसके बाद क्या एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, 1,00,000। क्लियर है, एक एंट्री फाइनल और है जो आपने पहले भी सीखी है कि अगर हमने कोई रिजर्व मेंटेन किया है, 25% बनाते थे रिजर्व, इस बार 25% नहीं बनाया, 100% बनाया, जनरल रिजर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस बार उस रिजर्व को हमने क्या नाम दिया, पहले बोलते डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसकी जगह बना दिया हमने डिबेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड। तो आप यहां पे लिखेंगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिजर्व नहीं फंड बना था, या फिर सिंकिंग फंड टू जनरल रिजर्व। और यहां पे 25% वैल्यू मत लिखना, 100% वैल्यू लिखना, 100% वैल्यू कितनी होगी, 1,00,000। अच्छा, 1,00,000 के साथ साथ आपको एक बोनस भी अचीव हुआ इसमें, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन बोनस अचीव हुआ। कौन सा बोनस अचीव हुआ सर, ये 1,859 रुपए फालतू मिले थे हमारे को, ये बोनस भी अचीव हुआ। तो जनरल रिजर्व में डालेंगे जो हमने क्रिएट किया, और जो बोनस मिला उसको कहां पे डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में, और वो है 1,59,000। टोटल हो जाएगा 1,01,859। क्लियर सबको, अगर मैं अब ब्रीफली इसको बताऊं तो ये शुरू की दो एंट्री और लास्ट की जो तीन एंट्री है वो तो हमने पहले ही करनी थी। इवन इसके पहले 25% DRR बनाना था, उस DRR की बजाय मैंने यहाँ पे 100% सिंकिंग फंड बना दिया। बीच में जो एंट्री हुई है, फर्स्ट ईयर हमने सिर्फ क्या किया, सेव ही कर पाए, प्रॉफिट इमीडिएटली नहीं शुरू हो सकता, इसलिए हमने पहले सेविंग की और उसको क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अगले साल से प्रॉफिट आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से दो जनरल एंट्री बढ़ गई। ये दो जनरल एंट्री तो रही रही, सेविंग भी किया और इन्वेस्ट किया, बीच में दो जनरल एंट्री हमारी बढ़ गई इंटरेस्ट की। पहले हमने इंटरेस्ट रिसीव किया लेकिन उसे फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिससे इन्वेस्टमेंट फालतू कर पाए। फिर अगले साल हमने क्या किया, जब तक आप रिडम्पशन नहीं करेंगे तब तक आप हर साल ये प्रोसेस करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, 2 साल 3 साल 5 साल, सेविंग की, इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट को फंड का पार्ट बनाना है, ऐसे पीएनएल का पार्ट नहीं बनने देना है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट फिर बड़ा हो जाएगा। ये प्रोसेस तीसरे साल भी चला। लास्ट ईयर आपको बस क्या करना है कि लास्ट ईयर आपको सेविंग करनी है लेकिन उसे इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि जो पहले से इन्वेस्टमेंट है उनको ब्रेक कर देना है। टोटल आपको जो उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना पैसा आपको चाहिए, आपको चाहिए 1,00,000 मिलेंगे सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट के पैसे, 75,000 मिल पाए, और उसके बाद फाइनल रिडम्पशन हमने करने। एक चीज इसके अंदर वेरीफाई करा दूं, क्या सच में 1,00,000 रुपए इकट्ठे हुए हैं, ये बात तो चेक कर लें कि क्या सच में 1,00,000 रुपए इकट्ठे हो गए थे, कम ज्यादा तो नहीं, देखते हैं कितना पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ होगा अल्टीमेटली। इसके लिए बताओ हमने कितने पैसे सेव कर लिए, तो बोनस को हटा दो, कितने पैसे सेव किए थे, 73141। ये तो 3 किश्तें हैं जो तुमने पुरानी जमा कराई थी, एक किश्त तुम्हारे हाथ में भी पड़ी हुई है अभी, कौन से की पड़ी है किश्त तुम्हारे पास, 23,201। सिर्फ ये नहीं पड़ा, थोड़ा सा ब्याज का पैसा भी इसी फंड के अंदर भेजा है तुमने, कितना पैसा ब्याज का पैसा भेजा आपने, 3,657। 73141 प्लस 23201 प्लस 3,657, ये जो टोटल हो रहा है वो रहा है 99999। क्या है जवाब गलत है, जवाब एकदम करेक्ट है, आप जरा लौट के आओ, कुछ हमने फिगर राउंड फिगर की थी, कुछ फिगर ऐसी थी जो इग्नोर की थी, 30 पैसे आपने यहाँ पे इग्नोर किए थे,
तीन बार चार बार इसने इग्नोर किए थे, ₹1.20 हो गए हमारे। अगर वो भी उसमें मैं ऐड कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली 10-20 पैसे का ही फर्क रह जाएगा। ₹1,00,000 में 10-20 पैसे का फर्क तो कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब टेबल पे भरोसा किया जा सकता है, टेबल एकदम एक्यूरेट है। और इस क्वेश्चन में जो वर्किंग किया वही सारे क्वेश्चन के अंदर वर्किंग करनी होगी।